स्वागत है आप सभी का ईजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इसी वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे IPv4 एंड IPv6 में क्या डिफरेंस है, वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग जान लेते हैं कि आईपी एड्रेस होता क्या है। यह आपका बिहार STET कंप्यूटर साइंस जो आपका 2023 का जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला है इसके लिए वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका आईपी एड्रेस का आपका एक नंबर तो जरूर फिक्स है, क्योंकि आपका आईपी एड्रेस का जो आपका क्वेश्चन 100% आपका पूछा जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि पहला कि आईपी एड्रेस होता क्या है। तो आईपी एड्रेस जो होता है, एज वी नो डेट आईपी एड्रेस इज ए यूनिक नंबर विच इज प्रोवाइडेड टू ईच एंड एवरी डिवाइसेस। आईपी एड्रेस जो है आपका एक यूनिक नंबर होता है, ठीक है, जो आपको हर एक डिवाइसेस को जो है वो प्रोवाइड होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि 192.168.243.120 यह एक प्रकार का आईपी एड्रेस है किसी भी डिवाइस का। ठीक है, तो आप समझ गए, आपको अगर पूछा जाए कि आईपी एड्रेस होता क्या है तो आईपी एड्रेस उसी को बोलते हैं, यह आपका जो है एक यूनिक नंबर होता है जो हर एक डिवाइसेस को जो है वह प्रोवाइड किया जाता है। आईपी एड्रेस का जो आपका वर्जन है आपका दो है, एक वर्जन आपका IPv4 है जिसका भी यूज हो रहा है, ठीक है, और एक आपका है IPv6। इस दोनों के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। जो आपका वर्जन है IPv4 एंड IPv6, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखें कि जो आपका IPv4 है इसका जो आपका पहले आपको जानना जरूरी है इसका आपका लेंथ कितना होता है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो IPv4 वर्जन है इसका आपका लेंथ जो है वह 32 बिट्स का होता है, ठीक है, और जो आपका IPv6 होता है इसका जो आपका लेंथ है वह 128 बिट का होता है, 128 बिट्स का होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि IPv4 जो होता है अराउंड 4 बिलियन यूनिक आईपी एड्रेस जो है आपको जनरेट कर सकता है। IPv4 वर्जन है इसमें आपका 4 बिलियन यूनिक आईपी एड्रेस जनरेट हो सकता है जो आपका 2^32 मैक्सिमम आईपी एड्रेस। ओके, उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखें जो भी आपका IPv6 है अराउंड आपको 340 ट्रिलियन यूनिक आईपी एड्रेस जनरेट कर सकता है, मतलब 2^128 जो है आपका आईपी एड्रेस जनरेट कर सकता है IPv6 वर्जन। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखें तो जो आपका रेंज होता है IPv4 एड्रेस का वह 0 to 255 होता है। ठीक है, 0 से लेके 255 तक जो है आपका IPv4 एड्रेस का रेंज होता है। लेकिन हम IPv6 वर्जन का बात करें तो जो आपका IPv6 जो होता है इसका आपका एड्रेस का रेंज होता है 0 to 65,535। आप डायरेक्ट समझ सकते हैं कि 0 to 65,535 जो आपका IPv6 का रेंज होता है। ठीक है, जो आपका IPv4 एड्रेस होता है इसमें आपका 4 ऑक्टेट होते हैं और सारे ऑक्टेट जो होते हैं आपके 8-8 बीट के होते हैं IPv4 में। लेकिन जो आपका IPv6 होता है इसमें आपका 8 ऑक्टेट होते हैं और सारा आपका 16-16 बिट का होता है। तो आप यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है यह कि जो IPv4 एड्रेस होता है इसमें आपका 4 ऑक्टेट होते हैं और सारे जो है आपका 8-8 बिट के होते हैं। लेकिन जो आपका IPv6 है इसमें 8 ऑक्टेट होते हैं और सारे आपको 16-16 बिट के होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखें तो जो IPv4 होता है इसमें आपका न्यूमेरिक एड्रेस होता है। ठीक है, IPv4 जो है आपका इसमें आपका न्यूमेरिक एड्रेस होता है जिसको हम लोग सेपरेट करते हैं डॉट से, और जो आपका IPv6 होता है इसमें अल्फा न्यूमेरिक होता है। IPv6 जो है आपका इसमें अल्फा न्यूमेरिक होता है जिसको हम लोग सेपरेट करते हैं कॉलन से। तो आप देखते होंगे कि जो आपका IPv4 होता है इसमें आपका डॉट से जो है वो सेपरेट किया जाता है, लेकिन जहां पे आप IPv6 का यूज करेंगे तो वहां पे जो है आपका कॉलन से सेपरेट किया जाएगा, क्योंकि यहां पे अल्फा न्यूमेरिक जो है आपका IPv6 एड्रेस होता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखें
तो आईपी वी फोर जो होता है इसमें आपका 5 क्लासेस होते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई होते हैं। लेकिन जो आपका आईपी वी सिक्स होता है इसमें आपका कोई भी क्लासेस नहीं होता है। तो जो आपका आईपी वी फोर है इसमें आपका क्लासेस होते हैं, और जो आपका आईपी वी सिक्स है इसमें आपका कोई भी क्लासेस नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली अगर रेंज भी देखना चाहे तो जो आपका क्लास ए जो होता है आईपी वी फोर में, इसका आपका रेंज होता है 0 से लेके 127 तक, 0 to 127 आपको रेंज भी पूछा जा सकता है। ठीक है, क्लास बी का हम लोग देखें तो 128 से लेकर आपका 191 आपका रेंज है। क्लास सी जो है आपका, इसका आपका 192 से 223 है। ठीक है, क्लास डी जो है आपका, इसमें 224 से लेके 240 आपका रेंज है। और क्लास ई है जिसका आपका रेंज जो है वह 240 से लेके 255 है। आप यहाँ पे रेंज भी देख लिए कि जो क्लासेस जो है आपको डिवाइड किया गया आईपी वी फोर का 5 क्लासेस में, उसका रेंज कितना कितना है, कौन सा क्लास का कितना रेंज है। ठीक है, यही आपका वीडियो था आईपी वी फोर एंड आईपी वी सिक्स से रिलेटेड। अगर आपको बिहार एसटीईटी कंप्यूटर साइंस 2023 एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।